उनका रिएक्शन यही था कि बिल्कुल बढ़ो, अब तो पापा नहीं रहे, वो होते तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता, बिल्कुल पैंडेमिक से पहले ही वो गुजर चुके थे। वैसे उस दिन मेरा एक बहुत बड़ा स्टेज शो था तो, और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे थे तो मुझे बताया नहीं गया था कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, बट जैसे ही मैं शो से बाहर आई तो मुझे कॉल आया, मैं इमिडिएटली कोलकाता गई। तो वो मुझे ऐसे तब कह रहे थे कि अगर कभी म्यूजिक ले लो फुल टाइम, मुझे ज़रूर मैनेजर बना लेना, मुझे रहना है हर एक चीज़ में तुम्हारे म्यूजिक का, हर हर एपिसोड ऑफ योर म्यूजिक आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंट है। बट आज वो है नहीं, लेकिन साथ में नहीं है, लेकिन कहीं तो है, कहीं से तो देख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत मतलब उम्मीद है कि वो कहीं से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आई एम डूइंग व्हाट ही वांटेड लेटर ऑन इन माय लाइफ। बिल्कुल 100%। मेरे घर में एक इतना बड़ा सा वो अलमारी रहता था जहाँ पे मम्मी के सारे कलेक्शंस रिकॉर्ड्स होते थे सब कुछ, और वो सुनते ऐसे ही पुराने गाने थे, तो मैं बचपन से बड़ी हुई यही सब गाने सुन सुन के, पुराने हिंदी और बंगाली सॉन्ग, हेमंत मुखर्जी, मन्ना दा, लता जी, गीता दत्त जी, संध्या मुखर्जी, तो सारे पुराने गाने ही सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। तो इससे मुझे बहुत एनेक्डोटिक याद आया, जो मैं स्कूल बस में पिकनिक में जाते हैं जब ना, या फिर कॉलेज से भी कभी फेस्ट में जाते हैं, तो सारे जब भी कोई मुझे बोलता गाना गाओ और मैं ऐसे गाने गाती, सब बोलते कौन से जमाने को हो भाई, कौन से गाने गा रहे हो ये, वो लोग कहो ना प्यार है या कुछ, तो ऐसे गाने गाते थे और मैं गा रही हूँ सुहानी रात ढल चुकी, या फिर ऐसे ही कुछ चांद फिर निकला। तो मुझे ये सवाल बार बार पूछते कहाँ से आए हो भाई। तो माँ बाप से सुबह उठ के जो भजन सुनने का जो रियाज है वो बचपन से ही था, मतलब मैं सुबह जब नींद से उठती थी तो मुझे सुनाया जाता था मम्मी ने ऑलरेडी चला दिया है, भजन चल रहा है। तो पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जी के जो भजन है वो तो क्लासिकल बेस्ड जो भजन है वो सुबह से चलता था, तो वो अभी तक मैंने वो रियाज कभी तोड़ा नहीं। मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो कान में वो चलता रहता है। इसके अलावा अजय चक्रवर्ती, पंडित अजय चक्रवर्ती जी, कौशिकी चक्रवर्ती जी, इनका मैं बहुत सुनती हूँ, कौशिकी चक्रवर्ती स्पेशली, बिकॉज बहुत कनेक्ट होता है कि वो इसी जनरेशन के हैं बोल सकते हैं, लेकिन वो जैसे गाते हैं उनके बेटे को भी वो सिखा रहे हैं, छोटा सा बेटा वो भी ऐसे गाते हैं, और किशोरी आमोनकर जी जो हैं, और बहुत लोगों को सुनती हूँ, मतलब ऐसे कुछ नहीं बोल सकती कि एक ही जन को, लेकिन बहुत ज़्यादा सुनती हूँ पंडित अजय चक्रवर्ती जी को, उनको सुन के बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। तो रोज़ सुनने के जो प्लेलिस्ट होता है उसमें ज़रूर भीमसेन जोशी जी रहते हैं और पंडित अजय चक्रवर्ती जी। तो जब बचपन से आप 3 साल उम्र से तबले के साथ गाओ, तो आपको अगर थियोरिटिकल वैसे नॉलेज नहीं हो कि क्या राग में कौन से, आपको लिखना नहीं आए, म्यूजिक वैसे पढ़ना नहीं आए टेक्निकली, लेकिन आपको ज़रूर समझ हो जाती है कि ये कौन सा राग बज रहा है, तो एक गाना अगर बजाए और मुझे बोले कि इस राग में थोड़ा सा गा लो, तो मैं ज़रूर गा लूँगी, क्योंकि ऐसे ही गाना सीखा है कि वृंदावनी सारंग में ये गाना है, तो गीत सुन के समझ आना वो तो बिल्कुल सीखा हुआ है। और आप जो बोल रहे हैं आजकल के दिन में, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि अभी वो चीज़ नहीं रही है, बहुत अच्छे सिंगर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ सिंगर्स का नाम नहीं लूँगी, ऐसे भी सुन के बहुत लगता है कि ऐसे गा के भी ये लोग काफ़ी लंबा रन बॉलीवुड में कर पा रहे हैं, जहाँ आपको बोल सकते कि ऑटो ट्यून ही सब कुछ है उनको, खाली आवाज़ में आप अगर सुन लो, तो मैंने सुना है सामने एक साथ परफॉर्म करते हुए, तो जैसे लग जा गले गाना जो है तो बच्चा बच्चा गा देगा, क्योंकि जो जिसको गाना पसंद है ऐसे गाने, लेकिन ऐसे काफ़ी बड़े कलाकार हैं, मैं ऐसे नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो उस गाने का मतलब अंतरा गा ही नहीं पा रहे हैं, वो क्लासिकल या वो अंदाज ही नहीं कि कैसे गाना है ऐसे, लेकिन वो बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके बैक टू बैक प्लेबैक्स आते हैं, एल्बम्स भी आते हैं। तो आजकल के दिन में क्या है, एक तरफ से अच्छा है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ म्यूजिक जो है वो हो चुका है, क्योंकि आप सोशल मीडिया से जा सकते हो, आप कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हो, जो पहले नहीं था, इसलिए शायद ऐसे 6 या 7 नाम हम ले पाते हैं अभी, वो हो गया अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ से ये भी आ गया है कि आप कितना अच्छा पैकेजिंग करते हो, आपके पास टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है, कितनी अच्छी टीम है, आपके पास फाइनेंस कितना अच्छा है, रिसोर्सेज बहुत कुछ कहता है कि आप कितना दूर तक जाओगे, नॉट जस्ट योर टैलेंट। तो जो टैलेंट है उसको मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि और सीखूँ, बहुत सीखूँ, उसको और अच्छा करूँ, दखल बनाऊँ अपना, लेकिन किस्मत की बात है, देखते हैं कहाँ तक चलता है ये। ये जरूर चाहती हूँ कि बहुत दूर तक आवाज़ पहुँचे, अभी जो है
वो सोशल मीडिया तक ही है आवाज। कोई भी सिंगर का यही ख्वाहिश होती थी कि प्लेबैक मिल जाए, ओटीटी मिल जाए, जहाँ बड़े पर्दे में लोग आपको सुने देखे, तो आपका जो है आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँची उससे कई ज़्यादा दूर तक पहुँचे और आप खुशी दे पाओ अपने श्रोताओं को, यही चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मैं ये रियलिटी शोज फॉलो करती हूँ, देखती हूँ बच्चे जो गा रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी तालीम ले रहे हैं बचपन से, कितना सीरियसली ले रहे हैं, और माँ बाप भी आजकल जो हैं बहुत दूर तक, बहुत हद तक जाते हैं कि अपने बच्चे सब कुछ कर पाएँ संगीत में। अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बहुत दिखावा का जो है प्रेशर आ गया है बच्चों में, कि ऐसा नहीं कि अपने खुशी के लिए गाओ और खुश हो के मतलब दिल से गाओ, वो उससे ज़्यादा बहुत ज़रूरी हो गया कि मेरे को इतने ताने आते हैं मुझे, तो ये सारे ताने मैं इसी टाइम में बिल्कुल करके दिखा दूँ। और जजेस को भी शायद ये प्रेशर होता है कि ऐसे ही कुछ चाहिए जहाँ पे वो उठ के खड़े होके क्लैप कर सके, स्टैंडिंग ओवेशन, क्योंकि आजकल लोग जो है उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, सबको ड्रामा चाहिए। अगर कुछ नॉर्मल सा होता, आप अगर पुराने रियलिटी शोज अगर देखे हैं, हम अगर मेरी आवाज़ सुनो जैसे बहुत पुराने जो आते थे सारे गामा, ये सब मैंने ये सब बाद में यूट्यूब में देखा है, तो उसके साथ आप देखें तो बहुत स्टार्क डिफरेंस है आजकल के रियलिटी शो में। तभी इतना ओवर द टॉप ड्रामा नहीं होता था, और जो गाना जैसा गाया जाए, कोई गाना अगर रहे ना रहे हम महका करेंगे, तो वो महका करेंगे पता नहीं मेरे धीरे जो प्यार है वो, ऐसा नहीं कि उसमें ताने मार के बोल रहे हैं कि महका करेंगे, जहाँ जो ज़रूरत है उतना ही करना है। हमें सब विद्या एक ही साथ एक जगह नहीं दिखा देना है, हमें ये भी दिखाना है कि हम इंसान हैं और उसमें वो इमोशंस, वो भावनाएं हैं। मैंने कौशिकी चक्रवर्ती जी का एक इंटरव्यू सुना था लता जी के बारे में, तो वो बता रहे थे कि सब हमें बोलते हैं हम डीप क्लासिकल और हैवी क्लासिकल गाते हैं, और लता जी तो लाइट मेलेडी गाते हैं। तो ये बोलना चाह रही थी, वो ये बता रही थी कि लाइट मेलेडी क्या होती है भाई, हम जो 1.5 घंटे में गा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि लता जी जब गाती हैं तो वही 2.5 मिनट के गाने में उन्होंने सब कुछ एक साथ डाल के ऑडियंस को, श्रोताओं को बिल्कुल स्तंभित कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे, लाइट किसे बोलते हैं? तो मुझे को लगता है जो दिल से आए ना, हृदय से आए, बिल्कुल वही गीत है। संगीत क्यों आया है दुनिया में, मुझे लगता है इसीलिए आया ना, आर्ट फॉर्म्स, इंसान को दिल से बिल्कुल छुए, दिल को वो विद्या जाहिर करना उसी वक्त में 1 मिनट में, जो दिल से गा रहे हैं जिनका बिल्कुल वही एक्सपर्टीज है, बच्चे बिल्कुल क्लासिकल ही गा रहे हैं, वो ताने सुना रहे, एक राग और ख्याल ठुमरी पकड़ा उसी को गा रहे, तो बहुत बढ़िया। लेकिन जहाँ पे मैं देखती हूँ गानों में बहुत ज़्यादा क्लासिकल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगता है कि धीरे भावनाओं को भी थोड़ा दिखा दो उसमें। अभी तो ये लीप ऑफ फेथ मैंने लिया है जहाँ पे मुझे संगीत ही करना है, और पहला जो स्टेप है वो है कि मैं एक एल्बम के ये काम कर रही हूँ, मुझे एक एल्बम बनाना है अपना, और उसकी तरफ मैं कर रही हूँ मतलब कुछ काम। तो एक बार आ जाए फिर तो मतलब आई बी वेरी फॉर्चुनेट अगर सब सब के पास तक पहुँचे वो एल्बम और गाना सबको सुनने में मिले, तो इस पे काम हो चल रहा है। इसके अलावा शोज़ वगैरह तो कर ही रही हूँ, और जैसे कि मैंने बताया कि कोशिश कर रही हूँ कि कुछ प्लेबैक में मौका मिले, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है कि बहुत दूर तक पहुँचे आवाज़, अभी जितना लिमिटेड है सोशल मीडिया तक उससे ज़्यादा पहुँचे। और ये है कि बहुत फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत प्यार आ रहा है, ये है। और रिसेंटली आई वॉज फीचर्ड बाय अ पब्लिकेशन जहाँ पे मैं एक कलाकार जो है लाहौर से, फारूक भाई जो हैं, उनके साथ मैं अक्सर गाती रहती हूँ, तो हमारे जो भी डुएट्स है वो बहुत वायरल हो जाता है सोशल मीडिया में, लोगों को बहुत पसंद। हम लोग लता मुकेश डुएट्स गाते हैं, जगजीत चित्रा जी के गाने मोस्टली ज़्यादा गाते हैं बिकॉज वो भी बहुत बड़े फ़ैन हैं जगजीत साहब के। तो अक्रॉस द बॉर्डर जो है लोगों से बहुत प्यार मिलता है, और यहाँ पे भी सारे पब्लिकेशन फीचर करते हैं हमें, और ऐसे बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि दोनों एक साथ कोई शो करो, प्रोग्राम करो, लेकिन वो पता नहीं ऐसे ये दो कंट्रीज में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ऐसे रिलेशंस में कभी हम शो कर पाएंगे कि वो तो पता नहीं, लेकिन एक साथ गाते रहते हैं हम। मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग करके उन्हें भेजती हूँ, वो वहाँ पे बैठ के अपना पार्ट गाते हैं, फिर हम लोग उसे मिक्स करते हैं, ऐसे बहुत मुश्किल से गाते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोई दिन तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, ताकि कलाकार एक दूसरे के साथ गा पाए,
मिलके लोगों का दिल बहला पाए। ये तो मतलब पहले जैसे हुआ करता था। नूरजहान जी आती थी, वो यहाँ से लता जी जाते थे। कितने इंटरव्यूज हैं, मैं जब वो देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई वॉल्स बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए संगीत में। अभी जो मैं शोज करती हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो बाहर हैं, US में बैठे हुए हैं, इंडियंस ऑफकोर्स, और या फिर ब्राज़ील में हैं, तो वो वहाँ से बोलते हैं कि बहुत पसंद है तलत महमूद साहब के गाने या गीता दत्त के गाने, तो आप शो करेंगी। ऐसे कुछ दोस्त रहेंगे और एक महफिल रहेगा, बड़ा स्क्रीन लगा देते हैं वहाँ पे, और इंटरनेट के वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं यहाँ बैठ के वहाँ उनको गीता दत्त के गाने सुना रही हूँ इतने मीलों दूर। तो ऐसे ही सिलसिला जारी है, और आप आशीर्वाद करें, और श्रोताओं से भी बहुत सारा प्यार आशीर्वाद चाहिए कि आगे बढ़ पाए ये सिलसिला और मुझे कोई मौका अच्छा मिले। बिल्कुल नहीं जी, आई डोंट थिंक आई एम अ गुड एक्टर। कैमरा देखते ही मुझे कुछ तो होता है, अनलेस आई हैव टू सिंग। जैसे इंटरव्यू, अभी गाने के बारे में बात करें तो मैं अच्छे से बात कर लूंगी, बट कुछ और पूछे तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ कि रेडी करके बोलना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।